रीवा जिले में पीएम आवास के नाम पर भ्रष्टाचार का कितना बड़ा खेल चल रहा है कि इस योजना के वास्तविक हकदार लोगों को लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो कि जर्जर खस्ताहाल मकान में जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए विवश हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नईगढ़ी थाना क्षेत्र के भीर गांव से, जहां बीती रात अचानक घर गिर जाने से बाल बाल परिवार बचा है। जिस समय हादसा हुआ उस समय परिवार के छोटे बच्चों को मिलाकर 8 लोग घर के अंदर थे। गनीमत यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ सभी लोग आवाज सुनते ही घर से भागने में कामयाब हुए। पूरा मामला रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के भीर जैसवाल टोला का है, जहां अशोक साकेत और सुरेश साकेत पिता हीरालाल साकेत दोनों सगे भाइयों के निवास कच्चे मकान में था, जो अचानक रात में 9 से 10 के बीच गिरने लगा। घर को गिरता देख सभी लोग घर के बाहर भाग निकले, जिससे किसी कदर जान बच गई। लेकिन अब परिवार के पास रहने के लिए ना तो घर है, ना तो गृहस्थी का कुछ भी सामान बचा है। सवाल ये उठता है कि जब शासन प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ऐसे में इस गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला? पूरा परिवार घर से बेघर हो गया है, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन इन गरीबों को रहने के लिए क्या सुविधा मुहैया कराता है। अभी तक कोई भी जिम्मेदार इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। पिछले वर्ष भी आपने देखा था कि बहेरा गुजियारी में किस प्रकार एक घर गिरने से पूरा परिवार काल के गाल में समा गया था। उसके बाद SP कलेक्टर सहित पूरे जिला का मामला पहुंचा था। ठीक उसी प्रकार यह घटना भीड़ में घटित हुई है, लेकिन अच्छा यह रहा कि घर गिरने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पूरे परिवार को शासन प्रशासन से मदद की जरूरत है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित पार्वती साकेत का। इसमें दो जने के भाई, वो वाला अलग खींच लीजिए, ये वाला अलग। इधर साइड में लैट्रिन भी है भैया, इसका टूट गया थे। खाना बना रहे थे, घर मेरा अचानक गिर गया 9 बजे, और हम लोग सब लोग निकल आए बाहर और सब कुछ दब गया उसमें। और हम लोगों का रहने का घर भी नहीं है, ना तो कुछ भी सामान बचा है, सब कुछ दब के बेकार हो गया। वहाँ पे लैट्रिन भी बाजू में, वो भी टूट गई है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा हम लोगों को मदद हेल्प चाहिए। ये क्या नाम है, क्या नाम है, ये किनका घर है? ये अशोक साकेत के घर है। ससुर का नाम है हीरालाल साकेत, पति का नाम है अशोक साकेत, मेरा नाम है पार्वती साकेत। ये घर में कितने लोग थे आप उस समय जब ये हादसा हुआ? इस घर में हम लोग थे 4 लोग, हम थे और 4 लोग इस रहे थे, 8 लोग थे घर में हम लोग। और जब घर गिरा लेकर, और ये पूरा घर जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस टाइम पर यह घर गिरा अचानक, तो आप लोग कहाँ थे और सभी लोग सुरक्षित हैं? हम लोग बैठे थे घर में, जब गिरने लगा आवाज आई तो हम लोग निकल के बाहर निकल आए, नहीं तो बच्चे लोग नहीं बचते, वहाँ पे बैठे रहते शाम को सोते तो। अच्छा, 9 बजे करीब हादसा हुआ। आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, मेरे को रहने को घर भी नहीं, अब गिर गया। क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? मांग करना चाहते हैं शासन से कि घर मिल जाए हम लोगों को रहने के लिए। ये कौन सा गांव है? ये भीर गांव है, जैसवाल बस्ती।